हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में वीवो Y22 स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट और वीडियो टेस्ट करेंगे, देखेंगे इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है। और दोस्तों, आप एक फ़ोन लेना चाहते हो कैमरा के लिए तो ये फोन आपके लिए बेहतर होगा, यानी इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो पहले इस फोन का कैमरा सेटअप का बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कैमरा में थोड़ा बम्प देखने को मिल रहा है और यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मेन कैमरा है 50 MP, इसके अपर्चर 1.8 और यहाँ पे सेकंड कैमरा का बात करूँ तो सेकंड कैमरा 2 MP, इसके अपर्चर 2.4। ये दोस्तों माइक्रो कैमरा है। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा का बात करूँ तो फ्रंट कैमरा 8 MP, इसके अपर्चर 2.0। अब दोस्तों इस फोन से आपको लाइव पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं इस फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसा है, दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से कैमरा को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कैमरा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टैप कीजिए, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। टैप किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप नीचे करोगे तो ब्राइटनेस लो होगा। तो यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस लो हो रहा है, और यहाँ पे ऊपर करोगे तो ब्राइटनेस हाई होगा। तो यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस हाई हो रहा है। इस तरह से ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाओगे, कस्टमाइज कर पाओगे। और यहाँ पे टैप कर देगो तो डिफॉल्ट में आ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट में आ गया हूँ। अब दोस्तों यहाँ से आपको नॉर्मल मोड में फोटो क्लिक करके दिखाएंगे। यहाँ पर HDR ऑन है, तो चलिए इसको ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पर नीचे देखिए AI कैमरा भी ऑन है, तो चलिए इस दोनों को ऑन करके फोटो क्लिक करेंगे, किस तरह का फोटो आता है देखते हैं। चलिए तो टैप करता हूँ यहाँ पर, अब फोटो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है, किस तरह का फोटो है देखते हैं। तो इस पिक्चर कॉर्ड का बात करूँ तो पिक्चर कॉर्ड यहाँ पे ठीक ठाक ही आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, यहाँ पे इस कैमरा के अनुसार पिक्चर कॉर्ड ही अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इसका कलर का बात करूँ तो वो काफ़ी सही यहाँ पर पिक्चर में देखने को मिल रहा है। और डिटेलिंग का बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर आया है। तो अब इस पिक्चर को आपको जूम करके दिखाएंगे इसका डिटेलिंग कैसा है। तो चलिए यहाँ पर जूम करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जूम करने से काफ़ी सही आपको डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और कलर भी इस पिक्चर में सही आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे फुल जूम करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए फुल जूम करने से पिक्चर में ज़्यादा लॉस भी आपको नहीं मिलेगा, डिटेलिंग यहाँ पर काफ़ी सही आ रहा है। तो अब यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में। तो इस फोटो का साइज़ का बात को तो साइज़ है 3.43 MB यहाँ पर ले रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। आप दोस्तों इस फोन से आपको पोर्ट्रेट मोड से फोटो क्लिक करके दिखाएंगे, तो सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे पहले इस फोन का ऑटो फोकस आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा सा काम करता है। तो यहाँ पे ये फोकस हो चुका है, बहुत ही फास्ट फोकस हो रहा है। फिर से करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फोकस हो चुका है, ऑटो फोकस बहुत ही अच्छे से इस फोन में काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर अपर्चर में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अपर्चर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर 2.8 में सिलेक्ट करता हूँ, चलिए 2.8 यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर फोकस किया, पिक्चर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर कैप्चर हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर कॉर्ड का बात करूँ तो पिक्चर कॉर्ड काफ़ी सही यहाँ पे आया है, और कलर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा पिक्चर में देखने में लग रहा है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का बात करूँ तो पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम किया है, ब्लर को बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज किया है पिक्चर में। और यहाँ पे डिटेलिंग का बात करूँ तो वो भी ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से बैक करता हूँ। इस फोन से दोस्तों आप नाइट मोड से पिक्चर क्लिक कर पाओगे। तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो पिक्चर आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो अब यहाँ से जाएंगे 50 MP पे। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ मोड में। तो यहाँ पे 50 MP लिखा आ रहा है, 50 MP, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से आपको 50 MP से फोटो क्लिक करके दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपको HDR का ऑप्शन नहीं मिलेगा और AI के भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए फोकस करता हूँ यहाँ पर, अब फोटो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर फोटो क्लिक हो चुका है। अब इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर कॉर्ड का बात करूँ तो काफ़ी अच्छा पिक्चर कॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एकदम क्लीन शार्पनेस फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए। और डिटेलिंग का बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो और दोस्तों इस फोन से 50 MP से और एक फोटो क्लिक किया हूँ, तो इस फोटो को देखिए यहाँ पर कलर का बात करूँ तो कलर बहुत ही अच्छा पिक्चर में कस्टमाइज हुआ है। और यहाँ पर HDR रेंज का बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस फोन से दोस्तों 50 MP से काफ़ी बेहतर पिक्चर आ रहा है। तो अब इस पिक्चर को आपको जूम करके दिखाएंगे इसका डिटेलिंग कैसा है। तो चलिए यहाँ पर जूम करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जूम करने से काफ़ी अच्छा आपको डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जूम हो जा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों 50 MP से पिक्चर क्लिक करके जूम करोगे तो जूम भी ज़्यादा होगा और पिक्चर में ज़्यादा लॉस भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर डिटेलिंग देखिए काफ़ी अच्छा आ रहा है, और कलर भी बहुत ही अच्छा इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस फोटो को जूम आउट करता हूँ, यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में। तो चलिए यहाँ पर डिटेल्स में क्लिक करता हूँ। तो इस फोटो का साइज़ का बात को तो साइज़ है 11.63 में यहाँ पे ले रहा है, तो बड़ा साइज़ यहाँ पे ले रहा है। तो चलिए ऐसे बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से आपको फ्रंट कैमरा से फोटो क्लिक करके दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं फ्रंट कैमरा का क्वालिटी कैसा है, आप सबको दिखाता हूँ।
तो चलो यहाँ से फिर से कैमरा को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट कैमरा ओपन हो चुका है। तो पहले दोस्तों आपको यहाँ पे HDR ऑन करके फोटो क्लिक करके दिखाएंगे फोटो में। तो यहाँ पे देख सकते हो HDR ऑन है। और यहाँ पे चलिए फिल्टर्स में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिल्टर्स ऑफ है यहाँ पे। और यहाँ पे लाइट फिल्टर में क्लिक किया, ये भी देखिए यहाँ पे ओरिजिनल में सेट है, दोनों फिल्टर ऑफ है। तो चलिए यहाँ पे फोकस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑटो फोकस ले चुका है। अब चलिए यहाँ पे फोटो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर क्लिक हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर कार्ड का बात को तो पिक्चर कार्ड यहाँ पे ज़्यादा खास नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस कैमरा के अनुसार पिक्चर कार्ड ठीक ठाक यहाँ पे आया है। और यहाँ पे डिटेलिंग का बात को तो डिटेलिंग आपको ज़्यादा खास नहीं मिलेगा। और यहाँ पे उस तो कलर का बात को तो कलर यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है इस पिक्चर में। तो अब इस फोटो को आपको जूम करके दिखाएंगे इसका डिटेलिंग कैसा है। तो यहाँ पे देखिए जूम करने से डिटेलिंग आपको एवरेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है देखिए। और यहाँ पे कलर पर ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिटेलिंग उतना अच्छा इस फोटो में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस फोन में 8MP का कैमरा है, इसलिए उतना अच्छा डिटेलिंग नहीं आ रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। तो अब यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में। इस फोटो का साइज़ का बात करो तो साइज़ है 2.7 mm यहाँ पे ले रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से आपको पोर्ट्रेट मोड से फोटो क्लिक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फोकस हो चुका है। तो चलिए पहले यहाँ पे एपर्चर को सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2.8, 2.4 बहुत सारा एपर्चर देखने को मिल जाएगा, 2.8 में सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब चलिए फ़ोटो क्लिक करता हूँ। तो फोटो क्लिक हो चुका है। अब इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो अब इस पिक्चर कार्ड का बात करूँ तो यहाँ पर भी एवरेज पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी ज़्यादा अच्छा पिक्चर क्वालिटी नहीं आ रहा है पोर्ट्रेट मोड से। लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का बात करूँ तो पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छे से काम किया है, यहाँ पे ब्लर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। और यहाँ पे डिटेलिंग का बात करूँ तो वो भी यहाँ पे एवरेज देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ से बैक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट कैमरा में भी नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फ्रंट कैमरा से नाइट मोड से पिक्चर क्लिक कर पाओगे, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ से जाएंगे वीडियो में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे देखिए, यहाँ पे आपको वीडियो रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 1080 पिक्सल और यहाँ पे आपको 720 पिक्सल देखने को मिल जाएगा। दोनों में दोस्तों आप 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ से बैक कैमरा को ओपन करता हूँ। यहाँ पे वीडियो में सिलेक्ट है, आप वीडियो रेजोल्यूशन में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1080 पिक्सल 30 FPS और 720 पिक्सल 30 FPS। यहाँ पे ऐसे बैक कैमरा में भी आप 30 FPS से वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ पे लास्ट में आपको दिखाऊंगा इस फोन का वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो और दोस्तों इस फोन से आउटडोर में और भी पिक्चर कैप्चर किए हूँ, वो दिख लीजिए आपको अंदर जो हो जाएगा इस फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसा है। तो चलिए आप सबको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस फोन का पिक्चर क्वालिटी आप सबको कैसे लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। अब दोस्तों वीडियो दिखाऊंगा, तो चलिए देखते हैं वीडियो क्वालिटी कैसा है, दिखाते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों 1080 पिक्सल है, 30 FPS सुपर है। यहाँ पे दोस्तों क्वालिटी का बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो कलर आ रहा है, कलर देखिए यहाँ पे कलर बहुत ही अच्छा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्वालिटी देखिए, क्वालिटी बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जूम भी देखिए, जूम यहाँ पे 10x हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों कोई माइक नहीं, इसको साउंड क्वालिटी आप देख लेना साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो क्वालिटी का बात की तो क्वालिटी सही आ रहा है यहाँ पे। तो वीडियो दोस्तों फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल से 30 FPS शूट हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्वालिटी का बात की तो यहाँ पर क्वालिटी ठीक ठाक आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, यहाँ पे 8MP का उसका क्वालिटी ठीक ठाक आया है। और यहाँ पे कलर देखिए, कलर भी यहाँ पे ठीक ठाक आ रहा है। यहाँ पे क्वालिटी यहाँ पे एवरेज आ रहा है। तो अब दोस्तों इस फोन का ओवरऑल कैमरा क्वालिटी का बात करूँ तो इस फोन का रियर कैमरा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा अच्छा रियर कैमरा से फोटो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्रंट कैमरा का बात करूँ तो फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं है, फ्रंट कैमरा से एवरेज फोटो आ रहा है, क्योंकि दोस्तों फ्रंट कैमरा एकदम कम है यहाँ पे। यहाँ पे बैक कैमरा से अच्छा फोटो आ रहा है। तो और दोस्तों ये फ़ोन आप सबको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों इस बजट में और भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और दोस्तों वीवो Y22 रिलेटेड को भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। तब पहले जाएं, वंदे मातरम।